गुर्दा, लीवर और हार्ट, ये तीनों आर्गन से जुड़ी समस्याएं आजकल बहुत ही कॉमन होती जा रही हैं। ज्यादातर लोगों में ये देखने में आता है कि शरीर में सूजन आ गया है, गुर्दे में खराबी आ रही है, लीवर ठीक से काम नहीं कर रहा है, हार्ट का भी पंपिंग ठीक से नहीं है, फ्लूइड ओवरलोड हो रहा है, और शरीर में सूजन, हाथों पैरों में सूजन, पेट में पानी आना और चेहरे पर भी सूजन आने की पॉसिबिलिटी दिखाई देती है। ऐसी स्थिति में कुछ आयुर्वेदिक औषधियां आपके लिए बेहतरीन होती हैं, लेकिन इन औषधियों का प्रयोग करने से पहले प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन बहुत जरूरी होता है। यह जानना जरूरी होता है कि जो शरीर में सूजन आ रही है वो किसकी वजह से आ रही है। गुर्दे की खराबी की वजह से है, या लीवर की खराबी की वजह से है, या हार्ट की खराबी की वजह से है। साथ में कुछ और पैरामीटर्स भी चेक करने जरूरी होते हैं कि कहीं आप डायबिटिक तो नहीं हैं। तो इस तरह की बातों को रूल आउट कराने के बाद चिकित्सक के परामर्श के अनुसार औषधियों का सेवन करना ठीक रहता है। कुछ आयुर्वेदिक औषधियां जैसे पुनर्नवासो एक बहुत अच्छी औषधि होती है जो लीवर पर और गुर्दे पर बहुत अच्छा कार्य करती है, साथ में हृदय की क्रियाविधि को भी ठीक करती है। जो एक्सेस फ्लूइड ओवरलोड होता है उसको भी कम करती है, क्योंकि इसका गुण होता है डायूरेशन का। तो यह आपके पेशाब की मात्रा को बढ़ाती है, गुर्दे की क्रियाविधि को ठीक करके पेशाब की मात्रा को बढ़ाती है। लीवर में जो सूजन आ जाता है जिसको हिपैटोमिगेली कहते हैं, और साथ में स्प्लीन में भी सूजन आता है, स्प्लीनोमिगेली, तो हिपैटो स्प्लीनोमिगेली के लिए भी यह औषधि अच्छी होती है और गुर्दे का फंक्शन भी इम्प्रूव करती है, और साथ में यूरिया क्रिएटिन लेवल भी धीरे धीरे कम होने लगता है, और फ्लूड ओवरलोड कम होने से जो हाथों पैरों में सूजन आ रही थी वह ठीक होता है, और हृदय की क्रियाविधि भी सुचारू रूप से संचालित होने लगती है। तो इस औषधि का प्रयोग आप चिकित्सक के निर्देशन में कर सकते हैं। यदि आपके साथ कोई और कॉम्प्लिकेशन नहीं है या कोई और सिवियरिटी नहीं है, तो सामान्य रूप से इसका प्रयोग करने से आप लाभान्वित हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि पुनर्नवासों का प्रयोग हमें कितनी मात्रा में और कब करनी चाहिए। पुनर्नवासों का प्रयोग 20 ml की मात्रा सुबह और शाम बराबर पानी में मिलाकर भोजन के बाद लेना चाहिए। भोजन के बाद लेना ठीक रहता है। इस तरह पुनर्नवासों का आप नियमित रूप से प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप डायबिटिक हैं तो आपके लिए यह औषधि ठीक नहीं है, क्योंकि थोड़ा मीठा होता है और शुगर लेवल बढ़ने की संभावना रहती है। ऐसी अवस्था में आप अपने चिकित्सक से मिलकर कुछ आयुर्वेद की और औषधियां जो पुनर्नवा से बनी होती हैं, जिसमें शुगर नहीं होता है, उसका आप सेवन करके इस तरह की समस्याओं से निजात पा सकते हैं, लाभान्वित हो सकते हैं। आयुर्वेद की कुछ और औषधियां ऐसी होती हैं जो बिना किसी साइड इफेक्ट के इस औषधि के साथ देने में अच्छा लाभ होता दिखाई देता है और आपके लिए फायदेमंद होती है।